नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या सुर्खियों में रहने वाली है और ये चुनाव में अहम मुद्दा भी होगा। इसका संकेत शनिवार को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे में भी देखा जा सकता है। पीएम आज अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नए बने भवन का उद्घाटन किया है। इस भवन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने दो अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। बता दें, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री शनिवार को 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एक बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने कहा कि शनिवार को हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन राम पथ मार्ग तक पर कुल 40 चरणों में 1400 से अधिक कलाकार लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, अब केवल एक चीज बची है कि BJP ऐलान करेगी कि भगवान राम चुनाव में उनके उम्मीदवार होंगे। भगवान राम के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि BJP ने पूरे कार्यक्रम को एक प्राइवेट इवेंट बना दिया है। इससे ये साबित होता है ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बल्कि BJP का निजी कार्यक्रम है। ED ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर इस साल दर्ज हुए एक मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को 7 दिन का वक्त दिया है। इस पत्र में उनसे 2 दिनों के भीतर जगह और तारीख तय कर ED को लिखित रूप में जानकारी देने की बात कही गई है। ये मामला सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी करने से संबंधित है। इसके लिए पिछले अगस्त से अब तक उन्हें कुल 7 समन भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री या उनके दफ्तर ने इस ताजा पत्र पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ये पत्र भेजा तब वो अपनी सरकार की 4वीं सालगिरह के मौके पर रांची में आयोजित एक भव्य समारोह में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि झारखंड में दलितों और आदिवासियों को 50 साल की उम्र से ही वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। इससे पहले हुए कई कार्यक्रमों में हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो केंद्र सरकार से अपना हक मांगते हैं तो सरकार उनके पीछे ED लगा देती है। लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे जेल का भय दिखाकर डराया नहीं जा सकता। अपनी सरकार की 4वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में कानून का राज है, ये कानून ED पर भी लागू होता है। हेमंत सोरेन ने कहा, मैं आदिवासी हूँ लेकिन बोका नहीं हूँ, ये राज्य हमने संघर्ष कर लिया है। हमारी सरकार जनता के हक के लिए काम कर रही है तो हमें तंग किया जा रहा है, हम इससे डरने वाले नहीं है। बता दें, BJP 2024 के चुनाव को देखकर आदिवासियों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर रही है और इस बीच हेमंत सोरेन BJP से उसी के दांव से लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो आदिवासी होने की बात कहने को लेकर केंद्र पर हमलावर हो चुके हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार एक बार फिर JDU के अध्यक्ष बन गए हैं। 2024 से पहले JDU में ये बड़ा फेरबदल है। इस मौके पर नीतीश कह चुके हैं कि पार्टी में सब ठीक है लेकिन बिहार में गठबंधन JDU में बड़े बदलाव के बाद कितना ठीक है, इसको लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के JDU का नया अध्यक्ष बनते ही बिहार की सियासत पर असर दिखने लगा है। नीतीश कुमार के JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव का विदेश दौरा कैंसिल हो गया है। बता दें कि तेजस्वी को 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था। इसके अलावा तेजस्वी 5 जनवरी को ED के दफ्तर में भी हाजिर नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 29 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की, जबकि कांग्रेस ने यादव पर नए मंत्रियों के लिए पोर्टफोलियो वितरण के लिए केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी लेने का आरोप लगाया। विभाग आवंटन में देरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख फैसले गलत हैं, सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और मोहन यादव मंत्रियों के विभागों की सूची लेने के लिए वहां गए हुए हैं। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार को BJP की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा है। मंत्रियों को शपथ दिलवाने के लिए राजभवन में पूरी तैयारी हो चुकी है। दोपहर सवा 3 बजे करीब 18 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है जब चुनावी नतीजों के 27 दिन बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही हो। पहलवान बजरंग पूनिया ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले कई महीनों से कुश्ती का कामकाज ठप है, ना कोई नेशनल हुआ है और ना ही खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कैंप लगे हैं। 7 महीने बाद ओलंपिक खेल भी हैं लेकिन कोई भी ओलंपिक के लिए गंभीर नहीं दिख रहा है, जबकि पिछले 4 ओलंपिक्स में कुश्ती ने लगातार 4 मेडल दिए हैं।
उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी कुश्ती की सारी गतिविधियां शुरू करवाइए ताकि खिलाड़ियों का भविष्य बचाया जा सके। उत्तराखंड के चंपावत में एक नाबालिग ने बीजेपी के नेता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को सामने आए इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज किया है। क्या पाकिस्तान कभी हाफिज सईद को भारत को सौंप सकता है? वो भी तब जब दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को पुष्टि की कि भारत ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन इसके साथ ही उसने कह दिया कि दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि भारत का अनुरोध मिला है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। उन्होंने कहा, यह ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है। 25 साल की सबीरा प्रकाश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बुनियर जिले से चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनने वाली है। वो पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान से बतौर उम्मीदवार खड़ी होगी। पेशे से डॉक्टर सबीरा का मानना है कि अगले साल होने वाले इन चुनावों में उनका धर्म उनके लिए मुश्किल नहीं बनेगा। अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार PPP ने इन पर भरोसा जताते हुए उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट के बजाय जनरल सीट से टिकट दिया है। अर्जेंटीना ने पूर्ण सदस्य बनने के 3 दिन पहले ब्रिक्स के सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। देश के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को पलटते हुए ब्रिक्स में शामिल होने की योजना अब वापस ले ली है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को लिखे एक पत्र में जेवियर माइली ने बताया है कि पिछली सरकार के लिए हुए फैसले को अब बदला जा रहा है। बता दें, अर्जेंटीना उन 6 देशों की बहुप्रतीक्षित सूची में शामिल था जिसे 1 जनवरी 2024 से पूर्ण मेंबरशिप दी जानी है। अन्य 5 देशों में मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ऐसा होने के बाद ब्रिक्स के कुल सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो जाएगी। अर्जेंटीना की सोच में ये बदलाव दक्षिणपंथी विचारधारा वाले अर्थशास्त्र के प्रोफेसर माइली की नवंबर में हुई जीत के बाद आया है। उन्होंने 10 दिसंबर को अपना पद संभाला है। यूक्रेन ने बताया है कि रूस की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल बमबारी में कम से कम 30 लोग मारे गए। रूस ने शुक्रवार सुबह तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेसा, निप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव, लीव पर हमला किया था। इस हमले में 160 से अधिक लोग घायल हो गए। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने कभी भी एक साथ इतनी सारी मिसाइलों के हमले नहीं देखे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।